नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गर्मियों के लिए एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक बनाएंगे। ये एक तरह का देसी ड्रिंक है, गांव में बनता है लेकिन आजकल सभी लोग बनाते हैं क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करता है, फाइबर होता है इसमें। तो हम जौ की बात कर रहे हैं यहाँ। जौ का दलिया बनाएंगे जिसे राबड़ी और राब भी कहते हैं, तो ये बहुत हेल्दी होती है हमारे लिए। तो आइए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाते हैं हम। तो इस जौ की राबड़ी के लिए देखिए, मैंने जौ का दलिया लिया है। ये थोड़ा मोटा पिसा हुआ जौ का आटा होता है जिसमें थोड़ा दलिया टाइप होता है ये। तो ये एक कटोरी लेंगे हम, और इसके लिए देखिए मैंने एक कटोरी दही लेके पतली सी छाछ बना ली। तो लगभग एक से डेढ़ लीटर इसमें पानी डालेंगे हम एक कटोरी दही में, और दही खट्टा ना लें। तो ये देखिए इस तरह से जौ का दलिया डालकर इसमें हम सारा ये छाछ डाल देंगे। छाछ बहुत पतली है, खट्टी नहीं है, और बहुत थोड़ा दही लिया है उसमें। और इस तरह से एक रईस इसे फेंट ले, मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाला है। तो एक कटोरी के लिए आप लगभग डेढ़ लीटर पानी वाली छाछ ले सकते हैं, और एक कटोरी दही से बनाए। और देखिए नमक मिला के हम इसे इस तरह से मिला लेंगे, और थोड़ा जौ का ऊपर इसमें कचरा या उसका थोड़ा ज़्यादा तंतु सा समझ लीजिए, वो सारा ऊपर आ जाएगा। तो उसे हमें छलनी से इस तरह निकाल देना है। तो ये देखिए सारा हमने निकाल दिया है छान करके। अब इसे अच्छे से मिला करके अब इसे हम कुक करेंगे। तो देखिए गैस पर इस तरह हम फुल गैस रखेंगे, और इसे चलाते हुए ही हमें कुक करना है क्योंकि इसमें छाछ है तो दही है, थोड़ा फट जाएगा वो। इसे बॉईल आने तक कुक करना है हमें चलाते हुए। 10 से 15 मिनट में बॉईल हो जाएगी, ये देखिए। इसके बाद इसे हमें कम गैस करके इसे ढक के रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो अच्छे से कुक हो जाए इसमें थोड़े मोटे जो अभी होते हैं। तो ये देखिए और 10 मिनट रखा, तो ये कितना अच्छे से कुक हो गया है, जो पूरी तरह से फूल चुका है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अगर आपने बिल्कुल सुबह बनाया तो दोपहर तक इसे रख दीजिए, या फिर रात को बनाया है तो ढककर रख दीजिए। मोस्टली हम लोग इसे रात में ही बनाते हैं और सुबह इसका नाश्ता करते हैं। तो ये देखिए अब सुबह तक कितने अच्छे से ये सेट हो गया है, और बहुत ही सॉफ्ट ही है, दलिया जैसे बना है। अब इसे हम सुबह पीने के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह का एक बर्तन लेंगे, इसमें हम दही डालेंगे। अब हमें कितना बनाना है आप क्वांटिटी उस तरह देख लीजिए। तो मैंने आधा लीटर दही लिया है, इसमें नमक डाला है बहुत थोड़ा सा, और दही ताज़ा लें आप, खट्टा दही ना लें इसमें। और एक लीटर देखिए इसमें मैं पानी डालूंगी। तो ये क्वांटिटी आप अपने टेस्ट से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा गाढ़ा ही दही रखें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब इसमें देखिए हम ये जौ का दलिया डाल देंगे। तो ये भी आप टेस्ट के लिए, आपको बहुत गाढ़ा खाना है या थोड़ा पतला लेना है उतना ही आप जौ का दलिया डालें। और इसे हम अच्छे से अब रई से फेंट लेंगे। तो ये पीने के लिए देखिए तैयार है, गाढ़ा पतला जैसा आप बनाना है बनाइए। ये बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में हमारे लिए, लू से बचाता है। शुगर वाले पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं जौ खाइए, तो इस रूप में आप जौ खा सकते हैं, फाइबर इसमें। तो देखिए इसमें आप थोड़ा जीरा भुना हुआ डाल के और थोड़ा प्याज डाल के भी खा सकते हैं, और सीधे इसे पिसको भी पी सकते हैं जो हमने दलिया बनाया है। तो ये बहुत टेस्टी से देखिए जौ का दलिया तैयार है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।